हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टैक टू हिंदी। और दोस्तों, आज का ये हमारा गेम प्ले होगा ट्रेन सिमुलेटर में लोको चेंज। हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस है, हम इसका लोको चेंज करेंगे इलेक्ट्रिक टू डीजल। ये हमारा WAP-5 लगा हुआ है इस डबल डेकर ट्रेन के आगे, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत डबल डेकर ट्रेन है। और मैं इन मॉडल्स का क्रेडिट देना चाहूँगा द लर्निंग वेस को, जिनके ये मॉडल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये कोचेस एंड ये लोकोस जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये द लर्निंग वेस के हैं। अगर आप ये मॉडल्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में द लर्निंग वेस की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जाके आप मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे मॉडल हैं, इनके साउंड भी आप जैसे सुन पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा साउंड है। हम अपने डेस्टिनेशन स्टेशन की तरफ जाते हुए जहाँ पे हमारा लोगो चेंज होना है, दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रीन सिग्नल। वैसे है डबल डेकर एक्सप्रेस हमारी इतनी लंबी होती नहीं है जितनी लंबी मैंने कर दी है इसके अंदर। काफ़ी लंबी डबल डेकर मैंने बना दी है, पता नहीं क्यों। और इसमें एक बात यह है कि इसमें जो जनरेटर कार लगी है ये उल्टी लगी है। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने देखा नहीं, ये एक्टिविटी तैयार करने के बाद मैंने देखा, तब मेरे पास चली कि ये जनरेटर कार उल्टी लगी हुई है। अभी आपको पता चलेगा कि उल्टी के कहने का मतलब मेरा क्या है। दोस्तों ब्रेक्स लगा देते हैं क्योंकि रुकने में टाइम लगेगी, ट्रेन काफी लंबी है। क्योंकि अब देख सकते हैं कितना अच्छा सीन लग रहा है, इतनी अच्छी ट्रेन हमारी डबल डेकर। और आप देख सकते हैं हमारे साइड वाले प्लेटफॉर्म पे EMU खड़ी है, एक थर्ड नंबर प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो ट्रेन आई है वो आई है नंबर 1 पे, मेन लाइन पे ही। हम लोगों को चेंज करेंगे इसका क्योंकि दोनों हमारी लूप लाइंस घिरी हुई हैं इसलिए। और दोस्तों मेरे पे इंडियन रूट्स अवेलेबल नहीं हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैं जो ट्रेन सिमुलेटर के डिफ़ॉल्ट रूट होते हैं उसी पे ये एक्टिविटी बना रहा हूँ। अगर मेरे किसी दोस्त पे या किसी भाई पे इंडियन रूट्स हों तो मुझे नीचे कमेंट में कॉन्टेक्ट करें, मैं उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूँगा और मैं आपका रूट ट्राई करना चाहूँगा। बिल्कुल, अगर आप मेरे को देंगे अपना रूट ट्राई करने को, इंडियन रूट देंगे अगर ट्राई करने को, तो मैं अपनी एक्टिविटी ही बनाऊँगा और आपका रूट्स भी उस एक्टिविटी में आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा WAP-5, इसको हम डीकपल कर लेते हैं अब ट्रेन से। ये हमने डीकपल कर दिया, ये हमारा अलग हो चुका है ट्रेन से। आपने देखा कि अभी तक इसका पिकअप कितना बुरा था, और जैसे ही हमने इसे डीकपल किया ट्रेन से इसका पिकअप इतना हाई कि हल्का सा नॉच देते ही एकदम से इसने स्पीड ले ली। अभी हमें सिग्नल नहीं मिला हमारे लोगों को आगे जाने के लिए, यहाँ पे शंट सिग्नल नहीं लगा कोई सा, इसलिए हमें जो ये मेन सिग्नल होते हैं इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। और हमें सिग्नल मिल चुका है तो अब चलते हैं अपने लोगों को। हम क्या कहते हैं उधर शंटिंग लाइन पे खड़ी कर देंगे, जो लाइन यूज़ में नहीं है अभी, मतलब उससे ट्रेन नहीं जाती और हमें कुछ इस्तेमाल नहीं करनी उस लाइन को, तो वहाँ पे जाके इसे खड़ा कर देंगे। उसके बाद हम अपने डीजल एल्कोमोटिव लेंगे, ट्विन एल्कोमोटिव जो कि हमारे डबल डेकर एक्सप्रेस में लगेंगे। देख सकते हैं जैसे कि फाटक बंद है, हमारा लोगो निकल रहा है यहाँ से। ये जो आप लेफ्ट हैंड की तरफ जो लाइन देख रहे हैं इसी लाइन पे हम अपनी लोगों को खड़ा करेंगे। तो चलते हैं फटाफट अपने लोगों को लेके इस लाइन के ऊपर ताकि हम अपने लोको चेंज कर सकें, क्योंकि अगर हम ये लोको नहीं हटाएंगे रास्ते में तो ये हमारे रास्ते में ही रहेगा। लोको को ब्रिज तक ले जाके यहाँ से इसको यू टर्न मारेंगे इसको। दोस्तों अपने ट्रैक्स चेंज करते हैं अब हम, ये सब हम मैनुअली करना पड़ता है हमको।
सही, आप देख सकते हैं ट्रैक चेंज करने में भी कितना आनंद आता है। तो अब चलते हैं अपने लोगों की तरफ और इसे ले चलते हैं यार्ड में। दोस्तों आप मेरे को बताएं कि मैं आगे अगली एक्टिविटी कौन सी बनाऊं। आप मेरे को नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि मैं ये एक्टिविटी बनाऊं, तो मैं वो एक्टिविटी आपके लिए लेके आऊँगा ट्रेन सिमुलेटर की। और अगर आपको कोई इंडियन रूट मिले या आपके पास हो तो आप मेरे को दे सकते हैं ट्राई करने के लिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल। और जो भी एक्टिविटी आप चाहेंगे मैं वो एक्टिविटी लाऊंगा। मेरे दिमाग में एक दो एक्टिविटी है जो कि मैं सोच रहा हूँ। एक तो ईएमयू फेल होना, ईएमयू फेल हो गई है, तो उसके आगे हम कोई अपना डीजल लोकोमोटिव लगा के उसको लेके आए प्लेटफॉर्म पे। और भी एक्टिविटी हैं जो मैंने सोची हैं, तो आप मेरे को बताएं कि मैं कौन सी एक्टिविटी बनाऊं जिससे कि आप देख सकते हैं हमारे ट्विन एलकोमोटिव WDM3D दोनों एक ही सेट के हैं और एक ही लोकोमोटिव हैं एलकोमोटिव। दोस्तों देख सकते हैं फाटक बंद हो चुका है, जैसे कि ट्रैक्स भी बड़े देखने पड़ते हैं कि सही हैं कि नहीं। चलिए दोस्तों अभी हमें तो सिग्नल नहीं मिला, ये ईएमयू को सिग्नल मिला है। ट्रैक्स हमारे गलत चेंज हुए हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम इसमें। ये लीजिए हमारा सिग्नल हो गया, अब चलते हैं अपनी डीजल लोकोमोटिव्स को लेके अपनी डबल डेकर के पास ताकि वो कपल हो सके। और रन दिया पहला नॉच, अरे जेट का पीछे जा रही है रिवर्सर, पीछे फॉरवर्ड करते हैं रिवर्सर को पहले। चलिए रिवर्सर हमारा फॉरवर्ड हुआ, कैमरे को एडजस्ट करेंगे। नाउ नॉच देते हैं, पहला नॉच देंगे अपने को लोकोमोटिव को। दोस्तों आप इसकी छगिंग सुन सकते हैं कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी लगती है। हमारे लोकोमोटिव प्लेटफॉर्म छोड़ते हुए ट्रैक चेंज कर रहे हैं। ट्रिपल 1 8 0 आप जैसे कि सामने देख सकते हैं हमारा लोकोमोटिव खड़ा है WAP5। उसके लिए ट्रैक चेंज करेंगे हम अभी अपना। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, मैंने सोचा कि ये इतनी लंबी होगी नहीं, मैंने सोचा 5-7 मिनट की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये वीडियो लगभग 14-15 मिनट की हो चुकी है। एडिटिंग करते वक्त देखते हैं कितनी लंबी आती है। यहाँ से न्यूटन मारेंगे, पहले अपने ट्रैक्स एडजस्ट कर ली, जैसे हमने रिवर्सल लगाया, ट्रैक्स चेंज करते हैं हमने पहले, उसके बाद चलेंगे अपने ट्रेन की तरफ। ये हमारी ट्रेन खड़ी है, हमें यहाँ तक आना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी लाइन वाला जो सिग्नल है रेड, ये रेड हो रखा है इस वजह से क्योंकि इसी लाइन पे सीधे जाके हमारी ट्रेन खड़ी है, इस वजह से ये रेड हो रहा है। लेकिन हम इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें कपल ही करना है, उसी ट्रेन में करना है। लेकिन अगर हमें कपल नहीं करना होता तो हमको यहीं पर रुकना होता है, लेकिन हम इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट और एड ऑन्स वगैरह मिलेंगे ट्रेन सिम्युलेटर के। फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का मेरी यूज़र आईडी है यश4N।
आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं ट्रेन्स की फ़ोटोज़ वगैरह डालता रहता हूँ और अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे को वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने ट्रेन के पास आ चुके हैं, अपने कोचेज़ के पास आ चुके हैं कपल करने के लिए। तो कपल करने से पहले हम अपना कैमरा एडजस्ट करेंगे ताकि आपको कपलिंग दिखा सकें अच्छे से। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जनरेटर का उल्टी लगी, तो आप समझ रहे होंगे किस तरीके से उल्टी लगी। ये गेट उधर की तरफ होनी चाहिए थी, इसके बीच में कपलिंग की जगह है, लेकिन ये इधर की तरफ हो गई। ये मैंने एक्टिविटी बनाने के बाद देखा, लेकिन ये मिस्टेक में कपल ऐसे लिया। तो दोस्तों, आप इसे इग्नोर करें, मैं चाहता हूँ। दोस्तों, आप कपल कर रहे हैं, कपल कर रहे हैं और कपल हो चुकी है हमारी ट्रेन। हमारी ट्रेन कपल हो चुकी है दोस्तों। कपल होने के साथ ही हमें सिग्नल भी मिल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें सिग्नल मिल चुका है अभी। तो अब देते हैं नॉच और चलते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं फटाफट से और अंधे भी। चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन चल रही प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, निकलते हैं प्लेटफॉर्म से, अपनी ट्रेन को स्पीड देते हुए चलते हैं यहाँ से। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके पास कोई इंडियन रूट या एड ऑन्स अवेलेबल हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं पक्का उनको अपनी वीडियो में ट्राई करना चाहूँगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूज़र आईडी है yash4n। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।